डिजिटल एलिवेशन मॉडल डीएम, डीएम क्या है? डिजिटल एलिवेशन मॉडल, डिजिटल यानी कि ये बिट्स में होगा, कंप्यूटर इसे डील करेगा या कंप्यूटर पे आप इस पे काम करेंगे। एलिवेशन का मतलब है हाइट, हाइट या कहें दो जगह की हाइट में जो अंतर है उसे हम एलिवेशन कहते हैं। मॉडल, किस तरीके से हम इस हाइट को मॉडल करेंगे, तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल ये होता है। तो है ये क्या, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है, या ये कहें कि आप इसको कंप्यूटर पर प्रेजेंट कर सकते हो। किस चीज को? जो भी ग्राउंड है उसकी टोपोग्राफी को या टेरेन को, जिस तरीके से आपकी आंखों को दिखता है, अगर आप उसको किसी तरीके से डिजिटली रिप्रेजेंट कर सकें, उसी के फॉर्मेट्स को हम डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स कहते हैं। तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल, जैसे मैंने बताया आपको कि जो बेयर ग्राउंड है यानी जिसमें कुछ भी नहीं है, जो टोपोग्राफिक सरफेस है, अर्थ के अंदर नहीं जा रहा हूं मैं, बाहर अगर आप चले तो जो आपको सरफेस मिलेगा उसको हम डीएम कहते हैं। डीएम में ध्यान रखिएगा जो ट्रीज होंगी ये नहीं आएगी, अगर कहीं बिल्डिंग है वो नहीं आएगी, यानी कि कोई भी मैनमेड ऑब्जेक्ट नहीं आएगा इसमें, केवल रॉ टेरेन आएगी, रॉ अंडुलेशन आएंगे या हाइट्स आएंगी। दो तरीके के आपके डीएम्स होते हैं, इसमें हम बोलते हैं डीटीएम और डीएसएम। कई बार डीएम को हम डीटीएम भी कहते हैं क्योंकि ये केवल टेरेन मॉडल है। टेरेन यानी कि जो ज्योग्राफी है उस तरीके का दिखाई देगा, उस तरीके की चीजों को हम डीटीएम कहते हैं। अब जिस डीटीएम के ऊपर पेड़ पौधे बिल्डिंग गाड़ियां ये सब आ गई, उनको हम डिजिटल सरफेस मॉडल कहते हैं, क्योंकि अब आपको सरफेस भी दिखने लगा है। डिजिटल एलिवेशन मॉडल कहां कहां से आ सकता है या इसके सोर्सेस क्या है, कैसे बनाया जाता है? डिजिटल एलिवेशन आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर ग्रिड है और उसके अंदर यहां पर वैल्यूज हैं और ये हाइट वैल्यूज है। किसकी वैल्यू है? हाइट वैल्यूज है। तो हर जगह की हाइट वैल्यू होगी और जब डिजिटली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एक हाइट ये होगी, एक हाइट ये होगी, एक हाइट ये होगी, और उसको अगर हम थोड़ा इंटरपोलेट करके या एक्सट्रापोलेट करके हम इसको एक कॉन्टिन्यूस व्यू दे दें तो वो आपका टेरेन बन जाएगा। इसी तरीके से एक और तरीका है डीएम को रिप्रेजेंट करने का, वो है टिन। वो होता है ट्रायंगुलर इरेगुलर नेटवर्क। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो ये पॉइंट्स हैं उसको हम ट्रायंगल में बनाते हैं और हर एक ट्रायंगल जो होता है इक्वल हाइट को रिप्रेजेंट करता है, इक्वल हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो डीएम डिजिटल एलिवेशन मॉडल आप कैसे जनरेट करेंगे? पहला जो तरीका है बड़ा कंबरसम है, लेकिन सबसे पहले यही यूज होता था, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड सर्वेइंग। हर जगह पे जाइए, थियोडोलाइट वगैरह यूज करिए और इसकी हाइट निकालिए हर एक पॉइंट की, और इससे थोड़ा कम एरिया कवर हो पाएगा, बड़ा एरिया कवर करने में समय लगता है, लेकिन यह सबसे मुफीद तरीका है। दूसरा तरीका आपका है मैनुअल फोटोग्रामेटिक स्टीरियो मेथड। इसमें क्या होता है, हम फोटोग्राफ लेते हैं और जब हम फोटोग्राफ ले लेते हैं, जैसे ये एरियल फोटोग्राफी हो रही है, इसके बीच में कुछ कॉमन एक एरिया आता है। अब जो इसमें पॉइंट होगा और जो इसमें पॉइंट होगा उनका डिफरेंस निकाल के हम हाइट निकालते हैं, इसमें पैरेलेक्स का मेथड यूज करते हैं। तो एक तरीका ये हो गया डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाने का। दूसरा तरीका है आपका ऑटोमेटिक एक्सटेंशन। ऐसे बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्ट आपकी इमेज से ही आपका, या सेटेलाइट इमेज से या इस तरीके की एरियल फोटोग्राफ से डायरेक्ट आप डीएम या फिर पॉइंट्स निकाल सकते हैं, एलिवेशन पॉइंट्स, हाइट पॉइंट्स। ये पॉइंट है कंटूर पॉइंट्स। इसको क्या करते हैं कि हमें ये पता होता है, ऑलरेडी किया गया है कि भाई यहां पर ये जो लाइनें दिख रही हैं ये इक्वल हाइट्स की हैं, तो हम इसको डिजिटली मतलब किसी सॉफ्टवेयर में जैसे आरजीआईएस में, क्वांटम जीआईएस में, हम इनको डिजिटाइज कर लें, यानी मैप रखें सामने और हाथ से डिजिटाइज कर लें या कंप्यूटराइज डिजिटाइज कर लें, पहले हाथ से होता था और उसके बाद हम इसका डीएम बना लें क्योंकि इक्वल हाइट्स के हैं। अगला तरीका है लेजर स्कैनिंग। ये जो है ये इसको लिडार कहते हैं। लाइट, इसमें होता है कि लाइट डिटेक्शन, एलआई लाइट के लिए है, डी से डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो अब इसमें क्या होता है, लेजर भेजी जाती है और लेजर जो है कैनोपी पे या फिर जो टॉप सरफेस है उसे टकरा के वापस आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि हमें यहां पर हाइट मिल जाता है हर एक पॉइंट। जैसे ये यहां से आएगी, ये पॉइंट यहां से आ जाएगा, तो आपको ये एलिवेशन मिल जाएगा और इसी से आप एक एक्सपर्ट जो एक
कर्व बना सकते हैं, ज्योग्राफिकल और मैथमेटिकल कर्व, और वही डीएम रिप्रेजेंट करेगा। एक और तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका, ये एसआरटीए मास्टर वगैरह सब में इसको यूज किया गया, वो है आपका रडार इंटरफेरोमेट्री, खास तौर पे एसआरटीएम उसमें यूज किया गया इसको, क्योंकि ये रडार इंटरफेरोमेट्री में क्या होता है, अलग अलग एंगल पे और वो जो फेस अलग होता है ना फेस, उससे हाइट निकल जाती है, क्योंकि उसमें भी यही तरीका है कि भाई आप सैटेलाइट से दो पॉइंट का एरिया लीजिए और उसमें फेस निकालिए और उससे हाइट निकल जाती है। डिजिटल एलिवेशन मॉडल के क्या क्या यूजेस हैं? तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। देखिए, डिजिटल एलिवेशन मॉडल आपको एक्चुअल टेरेन देता है, ये एक्चुअल टेरेन आपको मिल जाएगी, तो उससे क्या क्या निकाल सकते हैं आप निकाल सकते हैं स्लोप, एस्पेक्ट, हिल शेड, व्यू शेड। अब मैं आपको पहले इनके बारे में बताता हूं है क्या और कैसे निकालते हैं इसको। स्लोप का मतलब है चेंज इन एलिवेशन, मतलब एक पॉइंट पे यहां पर हैं आप, एक पॉइंट पे यहां हैं, तो आप देख लीजिए ये जो आपको मिला ये आपका एलिवेशन हो गया, इसी को, या इसे आप ये भी कह सकते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट है ना, एंगल है ये, तो स्लोप जो है वो स्टीपनेस है या डिग्री, इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन के, जैसे अगर आप यहां से करें तो इसका जो डिक्लिनेशन का डिग्री है वो ये है, इसकी इंक्लिनेशन की ये वाली है, ये आपका स्लोप हो गया। एक होता है एस्पेक्ट, अब ये जो स्लोप है, अब देखिए आप जरा इधर पे आइए, यहां मान लीजिए कि आप यहां खड़े हैं, तो ये इधर खड़े हैं आप, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ ये है, साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऐसा हो गया ना। अब ये स्लोप इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, क्योंकि ये स्लोप कहीं भी हो सकती है, तो ये जो डायरेक्शन बताते हैं ना, ये इसका मतलब ओरिएंटेशन क्या है इस स्लोप का, वो एस्पेक्ट होता है। जैसे मैंने बताया ये डिग्री में नापा जाता है, यहां से आप जीरो से शुरू करते हैं और ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, ये 360 पे लेके आते हैं, तो ये आपका एस्पेक्ट हो गया। इसी तरीके से आपकी हिल शेडिंग होती है और व्यू शेडिंग होती है। हिल शेडिंग का मतलब ये है कि आप यहां से इस जगह से ऊपर से आप देखेंगे कि यहां लाइट कहां कहां पड़ रही है, लाइट कहां कहां पड़ रही है और अंधेरा कहां कहां आ रहा है, यानी कि जहां पर लाइट नहीं पहुंचेगी, सनलाइट नहीं पहुंचेगी। यहीं पर आपको व्यू शेड का एग्जांपल मैं दे दूं, तो व्यू शेड मतलब यह है सन को नहीं लेते उसमें हम एक आर्टिफिशियल लाइट, जैसे अगर आप यहां पर खड़े हो गए और आपको पता करना है कि मैं कहां कहां देख सकता हूं, उस देखने को हम व्यू शेड कहते हैं, व्यू शेड एनालिसिस। ये सारे आपके डीएम से होते हैं। मैं आपको जरा यहां बताता हूं, देखिए जैसे ये सन है, अब यहां पर ये जो है इसको हम स्लोप कहेंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में है, किस ओरिएंटेशन में है, उसको हम एस्पेक्ट करेंगे। और यहां से जो सन आ रहा है, इसकी किरणें आ रही है, तो यहां पर तक तो किरणें आ रही हैं, इस जगह पे कम आ रही है, इस जगह पे कम आ रही है, ठीक है जी। तो ये जो एरिया हो गया, ये आपका किस, ये आपका हिल शेड का शेडिंग हो गई, यहां पर हिल के कारण शेडिंग हो गई। ऐसी अगर आप यहां पर खड़े हो जाइए तो आपको क्या क्या दिखेगा, कितना दिखेगा, आपका व्यू शेड हो गया।